The primary accused in the Badlapur rape case, Akshay Shinde, was killed in retaliatory fire by the police in Thane. According to the police, as Akshay was being taken to Thane for investigation, he snatched a police officer's gun and fired 3 rounds on the police, injuring an officer. Akshay was shot dead in the retaliatory fire by the police. The 23-year-old worked as a janitor at a school in Badlapur and was the main accused in the sexual assault of 2 4-year-old girls in the school premises. Meanwhile, CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis have reacted on the incident. Let's listen in. Akshay Shinde, ye jo Badlapur mein aaropi tha, wo aaj jisko taftish ke liye, jo uske upar उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे, और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है, और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। तो ये जो नई कोर्ट की नींव रखी जा रही है, कब तक कंप्लीट होने की एक टाइमलाइन रखी है और कैसे बदला है? ये नई जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, आज ये हिस्टोरिक डे है, और जो हाई कोर्ट है, ये नया हाई कोर्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स, इसमें आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के हाथों से यह भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हैं वो, और इस मुंबई हाईकोर्ट में भी उन्होंने काम किया है, और उनके हाथों द्वारा ये काम हो रहा है, और मैं हूँ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, हम खुशनसीब है कि हमारे कार्यकाल में इस नई हाईकोर्ट की बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हो रहा है। ये रिकॉर्ड टाइम में ये सब बातें हुई है, और रिकॉर्ड टाइम में ये हाईकोर्ट बिल्डिंग हो जाएगी। अगर एक डेट दे सके, क्या ये नवंबर से पहले होगा जैसा कि जस्टिस ओकमान? नहीं, अगले 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 तीन, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना ये सब, तो जरूर बिफोर टाइम हम करेंगे, लेकिन 3 साल में अगले करने की कोशिश हमारी है। सरकार पूरी तरह सहयोग कर रहा है, और जब भी इतने जब न्यायालय की बात आती है तो उसका जो फायदा जो है आम जनता को होता है, इसलिए हमारे सरकार ने कई न्यायालय को मान्यता दी है, न्यायालय की बिल्डिंग बनाई है, कई लोगों को सब जो जितना भी काम करना है हमारी सरकार ने किया, और ये भी बड़ा काम है, ये हिस्टोरिक काम है, और निश्चित प्रकार से सरकार पूरा करेगी, सब मिलेगा। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। त्याच्या पूर्व पत्नी ने एक तक्रार केली होती लैंगिक अत्याचाराची, त्या संदर्भात चौकशी करण्याकरता वॉरंट घेऊन चौकशी करता त्याला नेण्यात येत होतं। त्याने पहिल्यांदा पोलिसांची बंदूक हिसकवून फायर करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसावर फायर केलं, हवेत फायर केलं, त्यामुळे संरक्षणार्थ पोलिसांनी त्या ठिकाणी गोळी चालवलेली आहे। या संदर्भात त्याला दवाखान्यात नेण्यात आलं, आणि डॉक्टरांनी अजून अधिकृत घोषणा करायची आहे, पण जी काही माहिती आहे त्याप्रमाणे बहुधा मृत्यू झालेला असावा, त्यामुळे हे कुठलंही प्रवोक किंवा याच्यामुळे झालेलं नाही, तर एक प्रकारे पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेला हा गोळीबार आहे ज्याच्यामध्ये या आरोपीचा मृत्यू झालेला आहे। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्शुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीन कर
पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है।